सभी को नमस्कार। आप सभी को स्टूडेंट फाइटर में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे, आज कैबिनेट बैठक था 4 बजे से, एक्साइज कॉन्स्टेबल के बारे में चर्चा करेंगे, LDC के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद पंचायत सचिव के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद नगर पालिका का चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे खोटा सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि काफ़ी उसमें आंदोलन हुआ था और कैसे समरूप हुआ, कैसे मतलब कि सिलेबस चेंज हुआ, हम लास्ट में इसका चर्चा करेंगे। और सबसे पहले कि हमारे साथ जो है सुमित अंदाजा है, जो काफ़ी लेखक भी है, खोटा का प्रैक्टिस सेट निकाले थे और इसका करेंट अफेयर भी इसका आता है, जो कि सफल प्रकाशन सफल प्रकाशन में देखेंगे। अनुज जो कुशवाहा है और ये दोनों, और दोनों का पंचायत सचिव में हुआ है, यानी कि दोनों का हुआ है और दोनों राइटर भी है, सफल प्रकाशन में देखिएगा। ये दोनों काफ़ी लिखे हैं सफल प्रकाशन से, करंट अफेयर इन लोग लिखते हैं। उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे, ये पंचायत सचिव का अभ्यर्थी हैं, इसका जो है कितना तारीख है आपका ज्वाइनिंग देगा, 9 या 10 तारीख 9 या मुख्यमंत्री साहब देंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि एक्साइज कॉन्स्टेबल का जो कट ऑफ डेट था 2018 उसका 19 कर दिया गया है ना, 19 किया गया। उसके बाद LDC का उसका ज्वाइनिंग है, उसका भी 22 जून था, उसका भी ज्वाइनिंग मुख्यमंत्री के हाथों में होगा। उसके बाद पंचायत सचिव कब होगा, 9 या 10 जून का उसका, 9 या 10 जून का पंचायत सचिव होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कैबिनेट जो बैठक आज हुआ 4 बजे क्या क्या हुआ, काफ़ी उसमें जो है आपातकालीन जो घटना था, जो मतलब जो वज्रपात से या कुछ कुछ ऐसे था, नगर पालिका मुखिया ऐसे करके वेतन मान था कुछ कुछ, और उतना तो हम लोग को जानना नहीं है, हम लोग को मेन मकसद है एग्जाम से रिलेटेड जानना है, इसलिए एग्जाम से आते हैं। चर्चा हुआ एक्साइज कॉन्स्टेबल का हुआ, उसमें चर्चा हुआ, पंचायत सचिव की चर्चा हुआ, उसके बाद नगर पालिका का तो आज जान ही रहे कि आज आ गया, उसके बाद सिलेबस का सबसे ज़्यादा आज गर्म माहौल है छात्रों के बीच में, तो हम पंचायत जितने भी सिलेबस को लेकर जितने भी चिंतित है, चिंतित ना होए, हम बता रहे हैं कि तमाम जितने भी छात्र हैं, क्षेत्र भाषा का समरूप कर दिया गया है, और इसका परिणाम हम लोग जो खुद आंदोलन किए थे और उसमें सुमित भैया भी अहम योगदान दिए थे, लेटर पैड लिखने के लिए बहुत ही योगदान था, और हम तो लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, जो काफ़ी हजारीबाग गए थे, मतलब बहुत जगह जगह गए थे, राजभवन भी गए थे, 19 फरवरी के राजभवन में एक बार प्रदर्शन दिए थे, कई बार तो यहाँ यूनिवर्सिटी से भी, कई बार तो TRL में भी हंगामा हुआ था, सुमित भैया देखे रहे, और इसमें सबका सहयोग है, और नागपुरी के भी छात्र जितने भी थे, PPG भाषा का भी जितने भी छात्र थे, सभी छात्र वाले चाहते थे कि समरूप भाषा मतलब समरूप क्षेत्र भाषा हम लोग को हो जाए, और वही हुआ, और समरूप ऐसे हुआ है जिसे हिंदी जो पहले का जो सिलेबस था उतना ही बड़ा है, और उसी के लायक समरूप सभी भाषा को कर दिया है ना सुमित। हाँ, वही किया गया सर। और इसमें बता रहे हैं कि इसमें लिखने का आप लोग PDF दे देंगे, PDF का एक ज्ञापन जो पत्र दिए थे कार्मिक जो विभाग में देते सुमित भैया हम देते, और एक अनुज कुशवाहा है, ये दोनों बोले कि सफल प्रकाशन जो करेंट अफेयर लिखे हैं इन लोग लिखते हैं, और तीनों मिल के दिए थे, और लीड तो हम तो नेतृत्व तो सोशल साइट में काफ़ी रहते थे, इन लोग तो है राइटर भी है, और इन लोग रूम ही थे, लेकिन जब जब बुलाते थे तब तब इन लोग साथ दिया, और आज जो है सिलेबस चेंज करने का अहम योगदान सुमित भैया के, अनुज भैया के है, और खुद का है, जो खुद हाँ मेरा तो ये है, और नेतृत्व खुद करते थे, लेकिन जिसे बहुत सारे छात्र सुमित भैया ये भी बोल रहे थे, ये भी बोल रहे हैं कि सिलेबस बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब क्या मतलब कुछ संदेश देना चाहते हैं कि ताकि सभी जितने भी क्षेत्र भाषा को नहीं, ऐसा देखने से अभी जो नगर पालिका की सिलेबस आई उसमें देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है, लग रहा है ऐसा कि सभी का समरूपता किया गया है दूसरे रीजनल लैंग्वेज से, जितने उन लोगों को कहानियाँ पढ़नी है फिर वही दूसरे रीजनल लैंग्वेज का सेम उतना ही कहानी पढ़ना है, उतना ही नाटक पढ़ने हैं, उतना ही लोकगीत पढ़ना है, तो इस तरह देखने से अभी देखा जाए तो ऐसा तो नहीं लग रहा है किसी को 22 किया गया है, किसी को कम या अधिक, सभी को बराबर, अभी देखने से जो हम लोग देखें उसके अनुसार से ऐसा नहीं है, सभी को बराबर कहानियाँ, बराबर लोकगीत, बराबर लोक साहित्य बराबर पढ़ना है, या कहानियाँ हैं सब बराबर है, ऐसा नहीं लग रहा है, अब नहीं लगता कि किसी भी हाँ एक टाइम का जो बातें कर रहे हैं लोग के टाइम मिलना चाहिए, लेकिन अदरवाइज जो सिलेबस से रिलेटेड है सभी का बराबर है, और सभी को खुश होना चाहिए, हमको लगता है किसी को इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, सिलेबस किसी का बड़ा है छोटा सभी को देख खुद अपने अनुमान लगा सकते हैं लोग कि सिलेबस क्या है नहीं है, दूसरे रीजनल लैंग्वेज से मिला के चेक कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा जो सोचना है। हाँ तो देखिए सुमित भैया थे सही बोले कि किसी का इसमें दिक्कत नहीं है, किसी का दिक्कत नहीं है, हाँ न्यू सिलेबस हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मुख्य तौर से हम लोग जो लेटर देते ना सुमित, हाँ लेटर दिए थे कार्मिक विभाग में कि समरूप सिलेबस होना चाहिए खोटा छात्रों, और खुद हम ही दिए थे, तीनों मिलकर दिए थे कार्मिक विभाग में, वो लेटर आप लोग का जल्दी टेलीग्राम में स्टूडेंट फाइटर सर्च कर लीजिए, वहाँ हम भेज देंगे, और टेलीग्राम में जितने भी छात्र हैं
न्यू अपडेट मतलब सरकारी नौकरी जेएसएससी से संबंधित जानकारी के लिए आप स्टूडेंट फाइटर को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम जरूर जुड़े, ताकि जो है आप जो है सटीक जानकारी मिल सके आपको। और जितने भी छात्र हैं 60-40 को लेकर काफ़ी आंदोलन चल रहा है और होगा, आप लोग यकीन हम दिलाते हैं कि ठाकुर प्रसाद एग्जाम कैलेंडर में विश्वास ना कीजिए, विश्वास मत कीजिए, वो आ ही रहा है, वाली होते रहेगा, लेकिन यहाँ जब तक स्थायी निवासी नहीं मांगेगा तब तक से छोड़ेंगे नहीं, जब तक से तोड़ेंगे नहीं जेएसएससी को तब तक से छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो बोलते हैं हम लोग वो करते हैं, यहाँ के हित में होना चाहिए तो होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि कल जो जारी किया है बिहार सरकार में देखे टीचर का, वहाँ 100% लोक है, तो झारखंड में फिर क्यों, झारखंड में चरागा क्यों, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, 60-40 नहीं चलेगा तो सुनिधा नहीं चलेगा। सभी साथियों जोहार नमस्कार, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए कि 60-40 चलेगा या नहीं चलेगा। सभी साथियों जोहार नमस्कार।